प्रतिशत कमीशन की सरकार चल रही है तो फिर शिवराज सिंह ईमानदार कैसे हुए? इसका मतलब है 50% कमीशन की सरकार का मुखिया सबसे भ्रष्ट है। सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आई कि सचिवालय में इतनी बड़ी फाइलें जली, हजारों की तादाद में उसकी संख्या बनी, 50% कमीशन की सरकार चल रही है तो फिर शिवराज सिंह ईमानदार कैसे हुए? इसका मतलब है 50% कमीशन की सरकार का मुखिया सबसे भ्रष्ट है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय वेणुगोपाल जी, आदरणीय हमारे कमलनाथ जी और जेपी अग्रवाल जी के नेतृत्व में पूरे सीनियर मोस्ट नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को एक रणनीतिक व्यवहार से घर घर कैसे लेके जाएं? सबसे कर्जदार मध्य प्रदेश, प्रदेश देश में सबसे कर्जदार प्रदेश हमारा है और इसका किसी को स्वर्ण पदक दिया जाता है तो शिवराज सिंह चौहान को दिया जाता है। कर्ज लेने में कौन सा मुख्यमंत्री नंबर वन? तो शिवराज सिंह चौहान। लोकतंत्र की हत्या में, विधायकों के खरीद फरोख्त में मास्टरी किसकी सबसे अच्छी? तो नंबर वन है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान और पूरी भारतीय जनता पार्टी, इस प्रदेश में जितनी अराजकता हुई महंगाई की मार के साथ, किसानों की आत्महत्या के साथ, किसानों को कर्जदार बनाने के साथ और खासकर महिलाओं के अत्याचार, अनाचार और बलात्कार के साथ रणनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में लेके जाएगी। जहाँ तक इलेक्शन की और प्रोसेस होती है, वो चाहे कैंडिडेट चयन की प्रोसेस हो, चाहे स्ट्रेटेजी प्लान के साथ पार्टी का व्यू हो, आरोप भारतीय जनता पार्टी पे किस तरह का इसकी अराजकता हो या विजन क्या हो, हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रदेश के सामने विजन क्या हो, तमाम रणनीति पे चर्चा हुई। पूरे प्रदेश में माहौल चेंज है, पूरे प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है सिर्फ चुनाव का, पूरे प्रदेश आंदोलित है शिवराज सिंह जी को हटाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बेचैन है शिवराज सिंह जी को हटाने के लिए। मैं मानता हूँ फिर से पूरा प्रदेश 50% कमीशन की सरकार को झेल रहा है, भ्रष्टाचार के एविडेंस जलाए जा रहे हैं, तो मुखिया सबसे भ्रष्ट है वो ईमानदार कैसे? ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है प्रदेश का वो ये है कि शिवराज सिंह सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।